भविष्य तो उज्जवल होगा। लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी कमी है, मैं बात जरूर कहूंगा और मैं कहने से डरता नहीं, ना तो लोकेश कटारिया मुकदमे से डरता, जांच 54 मुकदमे चल रहे 55वां और सही। लेकिन साथियों मैं एक बात कहूंगा कि इस देश के अंदर अगर जंग जीतनी तो वो सबसे बड़ा हथियार है कलम, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कलम देके गए थे, लेकिन इस आरएसएस के लोगों ने, भगवादारी लोगों ने हमारे हाथों में डंडे थमा दिए। कहीं पर फिर प्रकरण करवा रहे तो कहीं 2 अप्रैल करवा दिया, कहीं पर गुरु रविदास मंदिर तोड़वा दिया तो कहीं एनआरसी मामला उठा दिया। हमारे बच्चे किस तरह शिक्षित बन रहे हैं, आज हमारे समाज के बच्चे अगर शिक्षित बन के आईपीएस बन रहे हैं तो उन लोगों को चुभ रहा है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने बच्चों को एक समय भूखे रहो लेकिन बच्चे को शिक्षित करो, क्योंकि अगर शिक्षा वो है जो पिएगा वो सहेगा। वरना एक चीज बताऊं, पेट तो कुत्ते बिल्ली भी पाल रहे अपने बच्चों का। अरे हमारे पास थोड़े को क्या है, हमारे पास थोड़े को क्या है, सम्मान स्वाभिमान और इज्जत। अगर वही नहीं रही तो हमारा जीने का कोई फायदा नहीं साथियों। और साथियों आपको पूरा सरकारी स्कूलों में हमारे पढ़ जावे सबसे ज्यादा है, सरकारी स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा किसके पढ़ जावे हमारे। अब बात थोड़ी सी कड़वी करना, हमारी जो माता बहने होती है अपना तो मुंह धो लेगी, मेकअप भी करने की दबा के, लेकिन बच्चे का ढंग ना मुंह भी नहीं धोती और उसके मुंह पे चिपचिप से लगे रहे। और तोर देखो कितना बड़ा प्लान खेला। जिस टाइम हमारे बच्चों की शिक्षा का समय होता है, जिस टाइम पढ़ने का वक्त होता है, उस टाइम उसके हाथ में कटोरा थमा दिया, स्तर बना दिया हम लोगों को भिखारी। क्योंकि आज स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को शिक्षा की जगह खिचड़ी मिल रही है जो भीख के तौर पर तुम्हें लोग, क्योंकि वो खिचड़ी तुम्हारा पेट नहीं भर रही, तुम्हारे बच्चे का पेट नहीं भर रही, वो खिचड़ी तुम्हारे बच्चे का भविष्य खराब करती है। और साथियों बड़ी से बड़ी जंग अगर जीती जा सकती है तो वो शिक्षा के दम पर जीती जा सकती है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। मैं एक बात, अच्छा मेरी बात से कोई बोल तो नहीं हो रहा, 1.5 महीने से पागल कोच में पड़ गए। उनके बड़े भाई आए, उन्होंने कहा कि भीमा तूने 3 बच्चे तो खो दिए, आवाज खींची दी थी, तूने 3 बच्चे तो खो दिए, लेकिन भीमा अगर तू टाइम से नहीं गया तो तेरा सबसे प्यारा लाड़ा बेटा राज रतन वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो साथियों उस महान मूर्ति और विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सोच में पड़ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बाबा साहब ने अरे ये झगड़े घड़ी कर लियो, बाबा साहब सोच में पड़ गए उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बाबा साहब रोने लगे और बाबा साहब ने कहा, अपने भाई को जवाब दिया कि भाई साहब जहां मैंने इस समाज के लिए 3 बच्चे कुर्बान करे, जहां इस समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए मैंने 3 बच्चे कुर्बान करे, आज मेरा यो प्यारा बेटा भी कुर्बान सही। तो वे सोचे पड़े कि एक बच्चे के बचाने के चक्कर में, एक बच्चे को बचाने के चक्कर में मैं तेरी 3 करोड़ दलित बेटों का कवर नहीं होने दूंगा। तो मेरे साथियों अगर मैं आज मंच पर बोल रहा हूँ जो दिल्ली पगड़ी बांधकर, अगर आज मेरी बहन इस देश के अंदर घूम रही है स्वतंत्रता से, वो किसी 33 करोड़ देवी देवता की जागीर नहीं, अगर वो मिला हुआ तो मेरे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को। मेरा उद्देश्य किसी के धर्म या भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन सच्चाई में एक बात कहूंगा, जितना पैसा हम लोग पूजा पाठ में लगाते हैं, अगर उसका 10% पैसा हम अपने बच्चों की शिक्षा में लगाने लगे तो साथियों ध्यान रखना तुम्हारे बच्चे का भविष्य तो उज्जवल होगा। लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी कमी है, मैं बात जरूर कहूंगा और मैं कहने से डरता नहीं, ना तो लोकेश कटारिया मुकदमे से डरता, जांच 54 मुकदमे चल रहे 55वां और सही।
लेकिन साथियों मैं एक बात कहूंगा कि इस देश के अंदर अगर जंग जीतनी तो वो सबसे बड़ा हथियार है कलम, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कलम देके गए थे, लेकिन इस आरएसएस के लोगों ने, भगवादारी लोगों ने हमारे हाथों में डंडे थमा दिए। कहीं पर सफेद उपकरण करवा रहे तो कहीं 2 अप्रैल करवा दिया, कहीं पर गुरु रविदास मंदिर तोड़वा दिया तो कहीं एनआरसी मामला उठा दिया। हमारे बच्चे जिस तरह शिक्षित बन रहे हैं, आज हमारे समाज के बच्चे मूवमेंट के लिए, अपनी कोम के लिए, अपने समाज के लिए हम लोगों ने इंडियन नेवी की नौकरी छोड़कर 3 बार जेल काटे समाज के लिए, 3 बार जेल काटे समाज के लिए, थोड़ी आवाज किसी भैया, समाज के लिए 3 बार जेल काटी। अगर हम लोग आज दिल से बोल रहा हूँ, नेता तो बहुत देखे होंगे तुमने, सोशल वर्कर भी देखे होंगे, लेकिन शुरू ना कहूं मैं पहले पर ये बाबा साहब का वंशज, ये बाबा साहब का वंशज और बहुजन समाज का बेटा खुले दिल से बोल रहा है कि अगर इस समाज के लिए अपने अंग का एक एक खून भी बहाना पड़ा तो कतई पीछे नहीं हटेंगे। साथियों 3 बार जेल काटने के बाद मिशन मूवमेंट बरकरार चलता रहा, हमारा कोई लालच नहीं है, अगर पैसे कमाने होते तो सरकारी नौकरी नहीं छोड़ते, सरकारी नौकरी नहीं छोड़ते, सिर्फ अगर दिल लगी है, वो कहते हैं ना दिल लगी, अगर दिल लगी है तो बाबा साहब के मिशन से दिल लगी है, और दिल लगी है तो अपने समाज को जगाने के लिए दिल लगी है। जिस तरीके से एक शराबी होता है ना, शराबी अगर उसे शराब ना मिले दारू, हमारे हरियाणा सॉरी हमारे यूपी में दारू बोलते हैं, अगर उसे दारू ना मिले तो उसके कीटाणु जोर मारने लगे, साधु को वो चाहिए, लेकिन अपन को सारी भाषा में बोल दू, अपन को अगर मीटिंग ना मिले एक दिन भी तो ऑटोमेटिकली शरीर में एक बेचैनी होती है। साथियों बाबा साहब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे अधिकारों के लिए 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। अगर मेरी माता बहनों को पता ना हो तो जरा दिमाग के शटर और ध्यान पूर्वक बात सुनना प्लीज। बाबा साहब ने हमारे अधिकारों के लिए 3 बच्चे खोए थे अपने, और जब गोल गई सम्मेलन होने जाता लंगर के अंदर तो बाबा साहब हमारे समाज को अधिकार दिलाने के लिए गोल में सम्मेलन के लिए जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हम दलितों को 5 वोट डालने का अधिकार दे रही थी, 5 वोट डालने का अधिकार दे रही थी, लेकिन गांधी एंड कंपनी ने ड्रामा करके लूट के सिर्फ 1 वोट डालने का अधिकार रह दिया, और वो 1 वोट डालने का अधिकार अगर मिला तो बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से मिला, ना किसी गांधी एंड कंपनी की वजह से मिला। साथियों बाबा साहब जिस टाइम गोल में सम्मेलन के लिए हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जाते तो उनका छोटा बेटा राज रतन जो सबसे प्यारा बेटा था। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।